Hello, ladies and gentlemen, welcome back to the another amazing video of Tech Talks. This is Jax, and yes, you are watching Jax Fair. जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं लेकर आता हूँ आपके लिए नए अमेजिंग वीडियोज. और आज इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ काफी स्पेशल फोन को. कौन सा है वो फोन? जी हाँ, आज हम अनबॉक्स करेंगे Xiaomi Redmi Note 5 3GB 32GB वेरिएंट जो कि है हमारे पास गोल्ड कलर में. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. ओके, तो लेट्स स्टार्ट क्विक अनबॉक्सिंग Xiaomi Redmi Note 5 3GB 32GB गोल्ड कलर वेरिएंट. So here is the phone itself. फोन को फिलहाल साइड में रख देते हैं, देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है. तो अब यहाँ पे जैसे ही बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने है मोबाइल का एक ट्रांसपेरेंट कवर जो कि आप मोबाइल में लगा सकते हो. और अब देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है. क्वालिटी की बात करें तो इतना कुछ खास नहीं है, बट अच्छा है क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स ही हमें मिला है. उसके बाद बात करें तो यहाँ पे है कुछ पेपर्स जिसमें आपको मोबाइल और उसके एसेसरीज के बारे में, वारंटीज के बारे में बताया गया. और अब है यहाँ पे हमारे सामने केबल जो कि मोबाइल को चार्ज करता है और इससे आप डेटा ट्रांसफ़र भी कर सकेंगे. पर यहाँ पर टाइप सी केबल नहीं है तो इट्स ओके, 10,000 रुपये में ठीक है. केबल की क्वालिटी अच्छी है. उसके बाद है ये एडेप्टर जिससे आप फ़ोन चार्ज कर सकेंगे. 5 वोल्ट का नॉर्मल एडेप्टर है क्योंकि यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है. बस बात ख़त्म. चलिए अब बात करते हैं मोबाइल के बारे में. तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 18:9 एस्पेक्ट रेशियो का डिस्प्ले. पीछे की तरफ यहाँ पे आपको वही पुराने Redmi Note 4 की डिज़ाइन ही देखने को मिलेगी. यहाँ पे आपको पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है लेकिन कुछ खास फ़र्क नहीं है डिज़ाइन में. फ्रंट की बात करें तो बस ये जो डिस्प्ले है वो ख़ास है क्योंकि ये 18:9 एस्पेक्ट रेशियो डिस्प्ले है जैसे कि आप देख रहे हैं. यहाँ पे आपको इस साइड में सिम ट्रे मिलेगी, बाकी कुछ नहीं है. यहाँ पे आपको एक हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ सिम ट्रे दी गई है. या तो आप वहाँ पे 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं या फिर 1 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड. इस तरफ यहाँ पे आपको जो है वो राइट साइड में एक स्पीकर दिया गया है और लेफ्ट साइड में एक माइक्रोफोन है. और साथ में आपको नीचे की तरफ दिया गया है USB पोर्ट. इस तरफ देखा जाए तो यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ का बटन मिलता है और वॉल्यूम रॉकर्स के जो जो बटन्स हैं वो मिलते हैं. ऊपर की तरफ देखिए तो यहाँ पे आपको 3.5mm का हेडफोन जैक मिलता है, आयर ब्लास्टर का एक सेंसर मिलता है और एक रियर माइक मिलता है. ओवरऑल देखा जाए तो मोबाइल की बिल्ड बहुत अच्छी है. तो चलिए अब चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे सिम ट्रे जो है वो हमें कैसी मिलेगी. तो ये ले लिया मैंने सिम इजेक्टर टूल और ये मैंने कर लिया इसे ओपन. तो यहाँ पे जो है वो आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट ही मिलेगा. तो या तो आप यहाँ पे 2 सिम कार्ड रख सकते हैं या फिर 1 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड. ओके, अच्छा है.
तो चलिए अब करते हैं फ़ोन को ऑन। ये मैंने कर दिया ऑन, और जब तक ये फ़ोन मैं सेटअप कर लेता हूँ तब तक आप देखिए इस फ़ोन के स्पैक्स। तो स्पैक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो सामने दिख रहा है वो है 5.99 इंच का एक बहुत ही खूबसूरत डिस्प्ले जो कि है 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन मिलता है 2160x1080 फुल HD प्लस, PPI इसके 403। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन 625 जो कि क्लॉक करता है 1.8 GHz से भी ज़्यादा है। GPU की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल रहा है एंड्रेनो का 506, और यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएंट है वो है 3GB प्लस 32GB। इस फ़ोन में एक दूसरा वेरिएंट भी अवेलेबल है मार्केट में जो कि है 4GB प्लस 64GB। कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको जो रियर में कैमरा दिया गया है वो है 12 मेगापिक्सल का कैमरा, और यहाँ पे आपको फ्रंट में मिलता है 5 मेगापिक्सल का कैमरा विथ फ्लैश। दोनों कैमरों से आप 1080 फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सारे सेंसर्स जो है वो दिए गए हैं। बैटरी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 4000 mAh की एक बैटरी दी गई है जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड नहीं है। कलर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 कलर्स मिलेंगे, ब्लैक, गोल्ड, लैक ब्लू एंड रोज गोल्ड। और वेरिएंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 3GB प्लस 32GB का जो प्राइस है वो आपको देना है करीबन 9999 रुपीज़, यानी कि 10,000 रुपये। और इसका जो 4GB प्लस 64GB का वेरिएंट है उसकी कीमत होती है 11,999 रुपये। तो फ़ोन का सेटअप जो है वो कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रैम के बारे में, तो यहाँ पे आपको जो रैम है वो यहाँ पे इसका जो सिस्टम है वो 1.5 GB तक यूज़ कर लेता है, तो यहाँ पे आपको करीबन 1.5 GB ही रैम यूज़ करने को मिलेगी अगर आप व्हाट्सएप और वगैरह सब ऐप्स इंस्टॉल करेंगे तो। आगे बात करें तो यहाँ पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो एंड्रॉयड नगेट मिलेगा 7.1.2, तो ये एक मेरे ख्याल से माइनस पॉइंट है कि यहाँ पे आपको ओरियो नहीं मिल रहा है 8.0 जो कि एंड्रॉयड है। पर यहाँ पे शाओमी ऐसा बता रहा है कि वो जल्दी से आपको अपडेट प्रोवाइड करेगा। बात करें फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में, तो डिस्प्ले जो है वो काफ़ी शार्प एंड क्लियर है। यहाँ पे जो है वो AMOLED या ऐसा डिस्प्ले तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले मिल रहा है, और जिसका रिजोल्यूशन भी फुल HD प्लस है, तो आपको एकदम शार्प एंड क्लियर इमेजेस और कलर भी यहाँ पे काफ़ी शार्प और वाइब्रेंट्स मिल रहे हैं। नेविगेशन बटन्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको ऑन स्क्रीन ही नेविगेशन बटन्स मिलेंगे जो कि एक अच्छा फीचर है। और ये जो ट्रांसपेरेंट कवर था उसे हमने यहाँ पे फिट कर दिया है, तो वो भी काफ़ी अच्छा फिट हो गया है। यहाँ पे आपको आगे की तरफ 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, वो भी एक सेल्फी लाइट के साथ, तो आप इससे काफ़ी अच्छे सेल्फी अंधेरे में भी क्लिक कर सकेंगे। और यहाँ पे रियर में आपको 12 मेगापिक्सल का एक कैमरा दिया गया है। तो चलिए अब टेस्ट करते हैं फ़ोन का ऑडियो और वीडियो कैसा है। Xiaomi का Redmi Note 5 जो कि 3GB RAM और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ था। तो ये था आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर दिखाइएगा। और थोड़े दिन के बाद इस डिवाइस को यूज़ करने के बाद मैं इसके रिव्यूज़ आपको ज़रूर दूंगा, तो कीप सब्सक्राइब एंड कीप वेटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।